हे हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के लिए कुछ स्पेशल चटपटा सैंडविच। आज बनाएंगे कॉर्न सैंडविच। तो चलिए देखें कैसे बनेगा ये सैंडविच। यहाँ सामान बहुत सारा है, तो हम लेते हैं एक जार और लेट्स स्टार्ट एडिंग एवरीथिंग इन द जार। बहुत सारा कोरिएंडर लिया है मैंने, ऑलमोस्ट लाइक बंच ऑफ कोरिएंडर। सो लेट्स स्टार्ट एडिंग द कोरिएंडर इन टू द जार। जस्ट स्टफ एज मच एज यू कैन और उसके बाद विल कीप एडिंग। ओके, लेट्स एड द अदर इन्ग्रीडियंट्स टू गार्लिक पॉट्स। अगर आपके बच्चे गार्लिक इजिली स्मेल आउट नहीं कर पाते हैं तो आप इसके पॉट्स को ज़्यादा क्वांटिटी या कम क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। वन ग्रीन चिली और हाफ एज पर योर किड्स चॉइस, ऑलमोस्ट 1.5 नींबू का रस, कुछ चटपना बनाने के लिए मैंने लिए हैं कुछ ये सेव, इट कैन बी अ प्लेन सेव और अ मसाला सेव, एंड इक्वल क्वांटिटी ऑफ पीनट्स। इट्स अ रोस्टेड पीनट्स सो एड बोथ ऑफ देम टुगेदर। देन गोज द कोकोनट, इट कैन बी अ फ्रेश और अ ड्राई कोकोनट, ऑलमोस्ट अ टेबल स्पून। देन आई एम टेकिंग सम पनीर, घर का फ्रेश पनीर है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चे बहुत चूजी होते हैं पनीर खाने में, सो आई मेड अ फ्रेश पनीर एट होम। जस्ट पुट इट इनसाइड। थोड़ा सा नमक डालेंगे हम फॉर द सीजनिंग पार्ट एंड ऑलमोस्ट अ टी स्पून ऑफ दही फॉर दैट ईजी मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग पार्ट। सो नाउ इट्स इनफ एंड नाउ वी कैन गिव इट अ स्टर। लेट्स स्टर इट। चलिए लेट्स मिक्स इट नाउ। लेट्स चेक इट आउट कि चटनी कैसी है। इफ यू कैन सी दिस चटनी इज स्टिल अ लिटिल यू नो ड्राई, सो we can add some more dahi into it, almost half a teaspoon of dahi, don't go adding more of it, वरना ये चटनी बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। और हमें पतली चटनी नहीं चाहिए, हमें चाहिए थोड़ी सी हार्ड चटनी ताकि आप उसको ब्रेड पे स्प्रेड कर सको। सो लेट्स वन मोर टाइम गिव इट अ ग्राइंड। सो लेट्स नाउ चेक द चटनी and the chutney looks almost okay, non-dripping. So let's transfer this chutney to a bowl. So let's now take out this chutney in a bowl. The chutney is non-dripping. बहुत बढ़िया बनी है। हमें इतनी कंसिस्टेंसी ही चाहिए ताकि हम अपने ब्रेड में इस चटनी को ईजिली स्प्रेड कर सकें। और जब वो ब्रेड को हम तवे पे पकाएंगे the chutney should not flow out of the bread. So this chutney is done. Now let's mix the corn in the chutney. So we drop in the corn as much as you want. Your kids will love it because these are boiled corns, sweet corns. Now mix it well in the chutney and check for your taste if the salt consistency is okay or not. So this paste is ready. Now let's apply the paste on the bread. So now it's time to apply the paste on the bread. मैंने एक normal sandwich bread ले ली है, white या brown, this depends upon you. And I've cut the edges. You can keep the edges also. Now let's apply the paste. Apply the paste almost in the center of the bread.
इसको पूरी तरह से हमें एजेस तक फैलाना नहीं है, अदरवाइज जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये बाहर निकल सकता है. बट इफ इट्स ओके यू कैन कीप सम अमाउंट ऑफ इट नियर द एजेस टू. नाउ अप्लाई अ हैंडसम अमाउंट. सबसे ज़्यादा आप कॉर्न्स को अप्लाई करिए, द किड्स विल लव इट. दिस इज अप्लाइड. नाउ लेट्स टेक द स्लाइस ऑफ चीज एंड कीप द स्लाइस ऑन द ब्रेड. ओके नाउ कवर योर अनदर पार्ट ऑन टॉप. नाउ लेट्स अप्लाई द बटर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द ब्रेड. स्प्रेड इट नाइसली इवन ऑन द एजेस. फ्लिप इट अदर साइड. And now it's time to put it on the pan. Let's go. तो हमने पैन को गैस को ऑन कर दिया है और अब थोड़ा सा गर्म होने के बाद आप अपनी सैंडविच को इस पर रखेंगी. Let's keep a sandwich here. And now cover it with a lid for almost a minute. And then we'll see कि ये एक साइड से पक गया है कि नहीं. एंड मेक श्योर योर चीज स्टार्ट्स मेल्टिंग. उसके बाद हम फ्लिप करेंगे. तो आइए चेक करें. जल्दी से इसे फ्लिप करते हैं. यस इट्स डन फ्रॉम वन साइड एंड नाउ लेट्स डू इट फ्रॉम द अदर साइड टू. चलिए आइए देखिए क्या हाल है सैंडविच का. आई थिंक चीज अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है. सैंडविच इज ऑल ग्रिल्ड. नाउ लेट्स टेक इट आउट ऑफ द पैन ऑन द प्लेट. तो लीजिए तैयार है आपके बच्चों के लिए चटपटा और मज़ेदार सैंडविच. से खाकर उन्हें मज़ा आ जाएगा और बनाकर आपको मज़ा आ जाएगा. गिव अ न्यू टेस्ट टू दिस कॉर्न सैंडविच एंड लेट योर किड्स इन्जॉय टू इट द मैक्सिमम. कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप ईटिंग एंड एन्जॉय. बाय बाय.